मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल जी, संसद में मेरे सहयोगी प्रोफेसर प्रेम सिंह चंद्रमांदरा जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दलजीत सिंह जी, चीना चीमा जी, चौधरी नंदलाल जी, एचएस गोयल गरेवाल जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के बीवी संतवंत कौर, एक्स मिनिस्टर, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, हमारा देश तरक्की करनी चाहिए ऐसा सबको लगता है, पर देश में अगर तरक्की करनी है तो हमको नए नए उद्योग लाने पड़ेंगे। अगर इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी और एक प्रकार से हम सबको राहत मिलेगी। पर अगर इंडस्ट्री लानी है तो चार बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर बिजली होगी, पानी होगा, रोड होगा, कम्युनिकेशन के साधन होंगे तो उद्योग आएंगे, और उद्योग आएंगे तो राज्य का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और राज्य की प्रगति और विकास होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल इनके नेतृत्व में पंजाब लगातार विकास तेजी से कर रहा है। देश का एक सुखी, समृद्ध, संपन्न राज्य के रूप में अनाज का भंडार, पंजाब ने पूरे देश के लिए इतना अनाज दिया है कि अनेक राज्यों में गेहूं और चावल पंजाब देता है, इसलिए वहां की परिस्थिति ठीक है। पंजाब के किसान मेहनती है और पंजाब के किसान जो उत्पादन निकालते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मैं भी किसान हूं, मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिले चलाता हूं और उसमें करीब 70,000 एकड़ गन्ना है, पर हमारे यहाँ पानी जो है वो 400 फीट नीचे गया हुआ है। आपके यहाँ जमीन भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, और इसलिए हमारे सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि हम गांव और कृषि के विकास के लिए प्राधान्य देंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब मैं महाराष्ट्र में मुंबई में मंत्री था। मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए। आप कभी टीवी पर देखते होंगे या मुंबई पर आते हुए आपको देखने का मौका मिला होगा कि समुद्र में मैंने एक बहुत बड़ा ब्रिज वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करके बनाया, और मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण करने का सौभाग्य मुझे मिला, जहां 150-200 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। अटल जी ने मुझे बुलाया और मुझे ये कहा कि ये काम तो आपने ठीक किया है, पर अब देश के गांवों को जोड़ने के लिए योजना तैयार करो और राष्ट्रीय महामार्गों को भी 4 लेन में रूपांतरित करने के लिए भी एक अच्छी योजना तैयार करके भारत सरकार को दो। मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांव है। गांवों की हालत ये थी कि स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, और तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। अस्पताल की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे सरकारी अस्पतालों की स्थिति थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय किया कि हिंदुस्तान के हर गांव को मजबूत रोड से जोड़ना चाहिए, और उसी समय मेरे कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपा। बहनों और भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 6.5 लाख गांवों में से 1,70,000 गांवों को जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने करके दिखाया। आपको पता होगा ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये योजना बनाने का भी सौभाग्य मुझे मिला और इस योजना का नाम रखने का भी सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, आज हमारे देश की जरूरत है कि अच्छे रोड बनने चाहिए,
हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, 7 लाख करोड़ के हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, ट्रैफिक जाम में हमारा समय चला जाता है। हमारे देश में जो पूर्व सरकारें थी उन्होंने विकास के तरफ ध्यान नहीं दिया, अच्छे रास्ते बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसके कारण आज किसान दुखी है। गांवों में इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है किसानों के बेटों को। हम ऐसी इकोनॉमी निर्माण करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जो रोजगार का निर्माण करे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करे, हर गांव में किसान के बेटे को हाथों को काम मिले, ये मकसद रखकर हम काम कर रहे हैं। और ये अगर रोजगार देना है तो रोड बनाने होंगे और इसलिए यूपीए सरकार जाने के बाद हमारी सरकार आई। मैं जब मंत्री बनकर ऑफिस में गया तो 403 रोड प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ रुपए के बन पड़े थे। केवल रोज 2 किलोमीटर पर डे रोड बन रहे थे। हमने स्थिति को बदल दिया। इसका श्रेय आपको है क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के सांसद जिताकर अगर दिल्ली नहीं भेजे होते तो ये काम करने का सौभाग्य हमको नहीं मिला। और आज बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो प्रतिदिन 2 किलोमीटर रोड बनते थे आज 22 किलोमीटर यानी 10 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा 11 गुना 22 किलोमीटर पर डे रोड बन रहे हैं। और ऐसे रोड नहीं बन रहे, सुखबीर जी आपको गारंटी देकर जा रहा हूं, मेरी उम्र 57 साल की है, 100 साल तो आपके आशीर्वाद से जिंदा रहूंगा और मैं जो रोड पंजाब में बनाऊंगा वो 50 साल उन रोड पर एक भी गड्ढा दिखेगा नहीं, ऐसे मजबूत रोड आपको बना के दूंगा। हमने पहला निर्णय किया कि हम सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाएंगे। जैसे सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाने का मैंने ऐलान किया वैसे सीमेंट वाले बड़े होशियार हैं, उनने कार्टेल किया और सीमेंट की कीमत 300 रुपए से 350 रुपए पहुंचा। मैंने सब मैन्युफैक्चरर को बुलाया, मैंने बोला मैं रोड बना रहा हूं, आपका सीमेंट खरीद रहा हूं, आपका प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा देता हूं, ये इस प्रकार का ब्लैक मार्केट मत करिए। बोले साहब हम नहीं कर रहे, हमने कार्टेल नहीं किया। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं किया। मैंने बोला आपको एक बार समझा रहा हूं, अगर तुमने रेट नहीं कम किए तो मैं तुम्हारा बैंड बाजा बजाए बिना नहीं रहूंगा, ये बात याद रखना। और भाइयों आप देखिए सरकार में क्या हो सकता है, जो 350 रुपए सीमेंट के बैग मिल रही थी आज मेरे डिपार्टमेंट ने 285 लाख टन सीमेंट 3 साल के लिए बुक किया है और सीमेंट की कीमत है 120 रुपए, 130 रुपए और 140 रुपए पर बैग, टैक्स एक्स्ट्रा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा। अगर पंजाब सरकार को भी चाहिए तो हमारी इनाम करके वेबसाइट है, आपको इसी रेट में पूरा सीमेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट पर हम देने के लिए तैयार है। केवल कैश एंड कैरी सिस्टम है, पहले पैसे देना पड़ता है बाद में सीमेंट। मेरे डिपार्टमेंट में हमने जो 403 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे 3,85,000 करोड़ के, भारत के बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर रोते थे, कहते थे बैंकों का दिवाला पूछा जाएगा, 3,85,000 एनपी हो जाएगा, पर आपके आशीर्वाद से हमने ऐसे निर्णय किया, ऐसी गतिशीलता दी कि 3,85,000 करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दौड़ने लगे हैं
और आज केवल 10-15 प्रोजेक्ट और 35-1000 करोड़ के प्रोजेक्ट का ही केवल मसला बाकी रहा है। स्थितियां बदल रही है, रोड बन रहे हैं, देश विकास की ओर जा रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। और बहनों और भाइयों, मैं अभी अमेरिका में था, इलेक्ट्रिक कार जो बनती है टेस्ला करके कंपनी उसमें था, और मैं ऐसे ठोकराड़ा मारने वाले नेताओं में से नहीं हूं कि कोई पत्रकार मुझे 40 साल में कोई सवाल नहीं पूछते। मैं बिल्कुल दमदार आदमी हूं, जो बोलता हूं वो डंके के चोट पर किए बिना नहीं रखता। आज हमने तय किया कि हिंदुस्तान में हम इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ियां स्कूटर लाएंगे, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी। और मुझे बता दे, खुशी हो रही सुखबीर जी कि मैं नागपुर से हूं, हमारे किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर 50 बसें नागपुर में चलती है। जिस इथेनॉल को किसानों ने तैयार किया है, ये हमारी सोच है। इस देश का पेट्रोल, डीजल और बिजली अब कहीं से इंपोर्ट होकर नहीं आएगी, तो इस देश का किसान इथेनॉल तैयार करेगा और बिजली तैयार करेगा। इस सोच को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने मजबूत बनाया है। हम इस देश के किसानों का भला करना चाहते हैं। आज भी आपके पेट्रोल में 5% इथेनॉल डाला जा रहा है। आप कनाडा में जाइए, अमेरिका में जाइए, यही कंपनियां हैं सब। वॉक्सवैगन है, मर्सिडीज है, फोर्ड है, टोयोटा है, होंडा है, इनकी सब गाड़ियां फ्लेक्स इंजिन है। आप 100% इथेनॉल डालो या 100% उसमें से 15% इथेनॉल, 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल, ये नहीं, 15% इथेनॉल और 85% पेट्रोल वाला पेट्रोल डालो, एक ही गाड़ी में आप डाल सकते हैं। आप जाइए ब्राजील में, आप कनाडा में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, जब वहां के किसानों ने पैदा किए हुए फ्यूल पर अगर वहां की गाड़ियां और ट्रक चलती है, तो हिंदुस्तान के किसान आत्महत्या कर रहे, हिंदुस्तान में अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसानों को राहत क्यों नहीं दी गई? बहनों और भाइयों, हमने तय किया कि हम किसानों को मजबूत करेंगे और इस देश की जो ऊर्जा है, देश का फ्यूल किसान तैयार करेंगे। 2 साल पहले यूरिया नहीं मिलता था, लाठी चार्ज हो रहा था। कई बार ऐसी स्थिति आई कि यूरिया का ब्लैक मार्केट चल रहा था, किसान आते तो उनको लाठियां बरसती थी। हमने यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाया। हमारा देश में 75,000 करोड़ की सब्सिडी हम यूरिया पर देते हैं। हमने तय किया यूरिया सस्ता करेंगे। मैं ईरान में चाबहार करके गया, वहां पोर्ट बना रहा हूं। मैं और प्रधानमंत्री जब ईरान में गए तो सुखबीर जी, हम हवाई जहाज से उतरने के बाद पहले हम वहां के, हमारा तेहरान में हमारा गुरुद्वारा बना हुआ है, वहां मत्था टेकने के लिए हम पहली बार प्रधानमंत्री और मैं गुरुद्वारे में गए। मुझे खुशी हुई कि ईरान में बहुत कम फैमिली थी, एक समय बहुत ज्यादा थी, 100-150 फैमिली थी, बड़ा गुरुद्वारा बनाया था। हमने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया। अब ईरान में मैं चाबहार में पोर्ट बनाने का काम मैंने शुरू किया है। जो यूरिया बनता है वो 15 MMQ पर डॉलर यूरिया का भाव है, नेचुरल गैस का भाव है। हम ईरान के साथ बात करें, वो $2 से कम है। हम इस देश में यूरिया की कीमत 50% से कम करना चाहते हैं और इसीलिए हमने नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है। एक समय हमारे देश में कोयले की कमी थी, आज हमारे देश में पावर सरप्लस है और कोयला सरप्लस है। और इसलिए हमने तय किया कि कोयले से गैसिफिकेशन के द्वारा सीम गैस तैयार करेंगे। चाइना में कोयले से, सीम गैस से तैयार हुआ यूरिया हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारे देश का कोयला लेकर गैसिफिकेशन के द्वारा सीम गैस तैयार करके हमारे देश में यूरिया क्यों नहीं तैयार हो सकता? प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की। अब हमने निर्णय किया है और जल्दी ही कोयले से यूरिया बनेगा और जो यूरिया की कीमत आप दे रहे हैं
उससे 50% कीमत में हम भारत के किसानों को यूरिया उपलब्ध करा कर देंगे, ये विश्वास मैं आपको देना था। देखिए हम गेहूं चावल के भाव बढ़ाए फिर भी कोई कीमत मिलती नहीं। हमारे मुंबई में बर्तन मांजने की राख 20 रुपए किलो मिलती है और गेहूं और चावल की कीमत उससे भी कम है। देश में किसानों की हालत खस्ता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये पहली सोच हमारी सरकार ने इस देश को दी। मैं इथेनॉल तैयार करता हूं, 4.5 करोड़ लीटर इथेनॉल पेट्रोलियम को देता हूं और वो मालिक नहीं, हमारे यहां कोऑपरेटिव में होता है, किसान मालिक है 20,000। हमारे देश के किसानों की तरक्की हमको करनी है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, और इसलिए विकास के लिए मैंने अभी सुखबीर जी से बात की कि मैं रोड तो बना रहा हूं पर मैं 36 लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूं। पैसा लगाने के लिए मैं तैयार हूं, राष्ट्रीय महामार्ग को एक्सेस कंट्रोल करने वाला हूं। अब बीच में से कोई बकरी, कोई गाय, कोई भैंस नहीं आ सकेगी। मैं एक्सेस कंट्रोल रोड पर एक्सेस देने के लिए तैयार हूं। पंजाब में जहां जहां आपको लॉजिस्टिक पार्क बनाने हैं मुझे बताइए, 10-15 हजार करोड़ में खर्चा करने जा रहा हूं। मैं पंजाब का गेहूं, पंजाब का चावल, किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए आपको लॉजिस्टिक पार्क देने के लिए तैयार। बहनों और भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी मैं उतरते हुए मैंने आपके यहाँ के कैनाल देखे, कितना बड़ा चौड़ा कैनाल। मुझे तो कभी कभी देख के पंजाब में लगता है कि क्या आप नसीबवान, पानी पानी है। मेरे गांव में 400 फुट नीचे जाना पड़ता है, बोर लगानी पड़ती है तब पानी मिलता है, 3-3, 4-4 बोर लाने के बाद पानी मिलता है। पर आज आपके यहाँ की ये अच्छी जमीन, ये पानी, ये संपदा, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। पर सुखबीर जी, मैं अभी सोच रहा हूं कि रोड से ज्यादा हमको पानी में जाना चाहिए। चाइना में 47% गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है, हमारे यूरोपियन देशों में इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, इसमें कम से कम 40% से ज्यादा पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक पानी पर है। कोरिया जापान में 43-44% है, और इसलिए हमने तय किया कि हम पानी पर चलाएंगे। 111 नदियों को हमने जलमार्ग के रूप में पार्लियामेंट में बिल पास करके घोषित किया। बहनों और भाइयों, में कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, वाराणसी से हल्दिया तक 1680 किलोमीटर गंगा में हमने 4000 करोड़ रुपए के काम की शुरुआत कर दी है। वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज झारखंड में 3 मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। पटना, मुजफ्फरनगर 5 जगह रोरो सर्विस शुरू हो रही है, काम फराक्का का गेट का काम शुरू हो गया है। हम फराक्का के पावर प्रोजेक्ट की फ्लैश बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इतना ही नहीं तो हम लोग 40 वाटर पोर्ट बना रहे हैं। और परसों मैंने दिल्ली के गुड़गांव में मारुति गाड़ी तैयार करने वाले मारुति सुजुकी के साथ एग्रीमेंट किया, और 1 महीना पहले वाराणसी में मैंने जो गाड़ियों भरा हुआ जहाज था उसको हरी झंडी दिखाई। आपको पता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि बंगाल और आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में मारुति गाड़ी की कीमत 3-4 हजार रुपए कम हुई, क्योंकि रोड से जाएंगे तो 1.5 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाएंगे तो 1 रुपए खर्चा आता है, और पानी से जाओगे तो 20 पैसे खर्चा। आप जैसे राष्ट्रीय महामार्ग आपने मांग की, ये तो मैं कर दूंगा, पर राष्ट्रीय महामार्ग के साथ जलमार्ग बनाने के लिए आप आगे आइए। पंजाब की नदियों में, पंजाब के कैनाल में मैं पैसेंजर और गुड्स का ट्रैफिक जोरों से शुरू कर दूंगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, पंजाब पहले नंबर का पहुंचेगा। देखिए कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि मैं मुंबई से हूं,
मुंबई से अगर लंदन और दुबई कोई माल भेजना है तो वह सस्ता है और आसान है, पर मुंबई से दिल्ली अगर कोई माल भेजना है तो वो महंगा है और कठिन है। ये देश की दुर्दशा पुराने सरकारों ने करके रखा है। हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं और 111 नदियां, 20,000 किलोमीटर की वाटर रिवर रैंक, 7,500 करोड़ का समुद्र किनारा, 12 मेजर पोर्ट, मैं नए 6 मेजर पोर्ट बना रहा हूं। मैं क्या करूं, बंगाल में समुद्र, पंजाब में समुद्र नहीं है। आपको बता दिया, मुझे खुशी हो रही है कि मैं डिपार्टमेंट में आने के बाद हमारे सब पोर्ट घाटे में चल रहे थे, सब शिपिंग कारपोरेशन घाटे में चल रही थी। मैंने सबको बुलाकर कहा कि अगले अप्रैल में प्रॉफिट लाओ, नहीं तो घर जाओ। आपको ताज्जुब होगा, इस साल मार्च में जो ईयर खत्म हुआ मैंने 6,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, 6,000 करोड़। और प्राइवेट पोर्ट से 2.6% हमारी इफिशियंसी बढ़ी। बहनों और भाइयों, देश बदल रहा है और इसलिए देश बदलते हुए देश का भविष्य, देश का तकदीर यह आपके हाथ में। विकास के लिए स्थिर सरकार चाहिए। बादल साहब ने, सुखबीर जी ने, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने विकास की राजनीति की, पंजाब की तस्वीर को बदलने की कोशिश की। बहुत कुछ काम किया है और भी काम करना है। मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो पर विकास की दृष्टि दान नहीं कर सकते। स्थिर सरकार, विकास की दृष्टि, सही नेतृत्व, यही राज्य की तकदीर बना सकता है। नहीं तो ऐसी पार्टियां हैं कि एक दिल के टुकड़े हुए 1,000 कहीं यहां गिरा कोई वहां गिरा। कोई नेता का पता नहीं क्या चला। मैं उन नेताओं का और उन पार्टियों के नाम नहीं लेना चाहता। तो एक बात याद रखना, ये हिंदी पिक्चर का गाना बड़ा अच्छा था, एक दिल के टुकड़े हुए 1,000 कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ऐसे गिरते हुए लोगों से पंजाब की तस्वीर नहीं बदल सकती। जिस कांग्रेस की सरकार ने लगातार विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो केवल एक प्रकार से भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़कर देश को लूटने का काम किया, वो लोग पंजाब की तस्वीर को नहीं बदल सकते। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में पूरे देश में और पंजाब में जो विकास की सोच हमने निर्माण की, मुझे अभी मित्तल जी बता रहे थे कि पूरे यूपीए सरकार में 2 नेशनल हाईवे मिले, चीमा जी बता रहे थे, अब 24 मिले। और आज मैं आप जाहिर कर रहा हूं और मैं तो ये कहता हूं, गलत में भी यानी मेरे वाक्य का गलत अर्थ मत निकालिए, पर सुखबीर जी जितना मांगना हो उतना मांग लो, तुम्हारी मांगने की ताकत खत्म हो जाएगी पर मेरी देने की ताकत खत्म नहीं होगी। मैं जादूगर हूं और ऐसा जादूगर हूं कि मुंबई में टाटा से लेकर अंबानी तक मैं 5 करोड़ रुपए सरकार से लिए थे, 4,000 करोड़ मैंने पब्लिक से खर्चा किए और 10,000 करोड़ के काम 1996-1997 में किए, पैसे वापस कर दिए। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं देशभक्त हूं, ईमानदार हूं। 3.5 लाख करोड़ के काम दिए, एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोल सकता कि उसको 1 रुपए की रिश्वत देने के लिए कभी मेरे कार्यालय में आना पड़ा। पूरा ई गवर्नेंस है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पंजाब का, देश की तस्वीर को बदल रहे हैं। बादल साहब का पंजाब का सपना है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का सपना है, जिसमें पंजाब का सपना है, हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना है, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और दुनिया में नंबर 1 की ताकत हमारे देश को बनाना है। यही विचार है और यही सपना है। ये पंजाब की भूमि देशभक्तों की भूमि रही है, ये क्रांतिकारकों की भूमि रही है। हम हर बार पंजाब के इतिहास को जानते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक पिक्चर का शुभारंभ किया, हमारे संरक्षण मंत्री और मैं साथ में थे और राजकुमार संतोषी एक पिक्चर निकाल रहे हैं कि अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में केवल हमारे 21 सिख थे और वहां लड़ते लड़ते उन्होंने 10,000 की फौज को हरा दिया। उस इतिहास पर पिक्चर बन रहा है।
उस दिन स्टेज पर हमारे जो लड़ाई में जिन्होंने शौर्य किया, पराक्रम दिखाया, ऐसे 21 शीर्ष सैनिकों का सत्कार किया। ऐसा वातावरण था कि छाती ऐसी, ऐसा रोमांच खड़ा हुआ कि देश के लिए कुर्बानी देने वाला, देश के लिए अपना सर्वस्व बहाल करने वाली ये पंजाब की भूमि है। ये गौरवशाली इतिहास है जिसको देश ने प्रेरणा दिया। और इसलिए मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, स्थिर सरकार और ये हमारा गतकालीन वैभवशाली इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत और गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर हमको दिया हुआ मार्गदर्शन, उसके आधार पर भविष्य के हिंदुस्तान को खड़ा करना है और यही हमारा सपना है। हम ऐसे नेता नहीं है, बाहर बैठा लेकर कोई किसी के पास कभी गए नहीं है। मैंने तो मेरे जीवन में किसी को हार नहीं डाला, बायोडा देने का सवाल नहीं उठता। मैं भी पार्लियामेंट से 3.5 लाख वोटों से जीतता हूं। मैं लोगों को बोलता हूं, वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। हमारा एजेंडा अपने हिसाब से चलेगा। हम देश के लिए काम करेंगे, हम देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए काम करेंगे, यही सोच है। आज आपने मांग किया है, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। आपने पहली मांग की है कि आपका जो हमारा अप्रूव एनुअल प्लान है वो 1000 करोड़ का है और आपको काम शुरू करने के लिए केवल 125 करोड़ की परमिशन दी है। मैं दिल्ली जाने के बाद आपको लेटर भेज दूंगा, 1000 करोड़ के काम इसी साल आप शुरू कर दीजिए, पूरी मंजूरी देता हूं। दूसरी बात, आपने कहा है कि खरार बंदपुर टेपला ये 40 किलोमीटर रोड है। दूसरी बात है मुरिंदा सिरहिंद अप टू पतियाला बाईपास, ये 60 किलोमीटर है। बंगा गैरशंकर आनंदपुर नैना देवी ये 75 किलोमीटर है। ये पूरे तीनों रोड को सीमेंट कंक्रीट 4 लेन में कन्वर्ट करने का डीपीआर आपने तैयार किया है। एक जिड्डे बड्डे अलाहना उड्डा बड्डे चिकारा होना चाहिए। एक बार दो हाथ खड़े के दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए, बोले सोनहां। बहनों और भाइयों, उन्होंने और मांग की है कि हमारे नए नेशनल हाईवे बनाए। देखो मेरा क्या है, मैं भी आपके देशभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं पंजाब हिंदुस्तान में। अगर देश का विकास, पंजाब का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और इसलिए आपने मांग किया, आपके विकास के लिए आपने नए नेशनल हाईवे की मांग की है। नवनशहर राहौल मच्छीवाड़ा सामरा खन्ना और मलेरकोटा रोड 108 किलोमीटर, बाद में दूसरा जो है तरन तारण गोंदीवाल साहिब कपूरथला ये 50 किलोमीटर, तीसरा है गुरदासपुर मुकेरियन तलवारा मुबारकपुर ये 83 किलोमीटर, बठिंडा बादल खेवली ये 30 किलोमीटर और ऑलरेडी जो एक्सटेंशन दिया है वो मोरिंदा श्रीहिंद पटियाला अप टू रोपर ये 18.31 किलोमीटर, पटियाला गुलार चिकरा कथियाला रोड 23.20 किलोमीटर, ऐसे टोटल 313 किलोमीटर को मैं राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित करके इसको मान्यता देता हूं। हमारे मदन मोहन मित्तल जी ने मुझे मांग की है कि नंगल से उना रोड जो है उसके ऊपर सतलुज नदी और अंजोली मोड़ यहां 2 बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने की मांग की है, उसको भी मैं पूरा कर रहा हूं। इसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा, ऐसा आपको विश्वास देता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात है जो पंजाब के विकास के लिए है कि जालंधर से लेकर अजमेर तक आपको दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम है, पोल्यूशन होता है। मैं दिल्ली का रिंग रोड बना रहा हूं 15,000 करोड़ का। मुझे प्रधानमंत्री ने कहा कितना समय लगेगा, मैंने कहा 2.5 साल लगेगा। उन्होंने कहा 2.5 साल में 400 दिन में बनाइए। मैंने कहा यह संभव नहीं है,
बोले आप तो कभी रेहड़ी बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं सर? बोले ट्राई करिए। बहनों और भाइयों मुझे बताते हैं, खुशी हो रही है, ये 15,000 करोड़ 100 दिन हो गए हैं, अब बिल्कुल 300 दिन के अंदर दिल्ली का रिंग रोड हम पूरा बना रहे हैं, एक्सिस कंट्रोल। अब इसके बाद पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अब आपको दिल्ली से इधर आना नहीं पड़ेगा, बाहर से बाहर आपके लिए 50% दिल्ली का पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम कम हुआ। और आज सुधीर जी ने मुझे कहा कि ये जालंधर टू अजमेर जो रोड है मुंबई के लिए, तो यहां से हाँ बताओ ये रोड जो है, उन्होंने मुझे मांग की है कि मोगा, बठिंडा, सरदारशहर, किशनगढ़, अजमेर, ये 580 किलोमीटर है, अभी जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। अगर ये रोड बन जाएगा तो 5 घंटे में हमारे ट्रक जाने लगेगी, हमारी कीमत कम होगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे उद्योग बढ़ेंगे। मैं घोषित कर रहा हूं ये रोड अब 4 लेन करना कि 6 लेन करना, ये ट्रैफिक देखकर तो 4 लेन के ऊपर ही बनाएंगे, 4 लेन पक्का बनाएंगे, अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो 6 लेन बनाएंगे। और ये 580 किलोमीटर जिसकी कम से कम कीमत 8,000 करोड़ रुपए होगी, इस रोड को मैं मंजूरी देता हूं और इसको भी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करके काम। सर आखिरी में नहीं, वो दूसरा, वो अभी दिल्ली टू कटरा, दूसरा एक महत्वपूर्ण बहुत बड़े, आपको विश्वास नहीं होगा पर मुंबई से पूरा आने के लिए मैं जब मंत्री था तो 9 घंटे लगते थे, अब मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो लोग 2 घंटे में आते हैं। तो आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि दिल्ली से कटरा ये 732 किलोमीटर अंतर आता है, पर अब हम नया रोड बना रहे हैं दिल्ली अमृतसर कटरा, ये डिस्टेंस केवल 612 किलोमीटर में 117 किलोमीटर कम होगा। और मैं आपको बता, आज दिल्ली से अमृतसर ये भी अंतर कम होगा, 8 घंटे लगते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इसी साल 26 जनवरी के पहले ये एक्सप्रेस हाईवे के एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू होगा और दिल्ली से अमृतसर का डिस्टेंस केवल 2.5 घंटे में आप पार कर सके, 2.5 घंटे में। ये रोड के लिए भारत सरकार की ओर से 60,000 करोड़ का रोड हम बनाने जा रहे हैं, ये पंजाब का ऐसा रोड होगा कि दुनिया में पूरा पंजाब का नाम ऊंचा होगा, ऐसा रोड बनाकर आपको नहीं। बहनों और भाइयों, बहुत से तो काम मैंने जाहिर किए पर मैं आपको वचन देता हूं कि हमारी 5 साल में सरकार जब पूरी करेगी तो पंजाब को कम से कम मैं 2 लाख करोड़ के रोड बनाकर दूंगा, पंजाब का विकास होगा, पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, पंजाब के युवाओं को रोजगार मिलेगा, पंजाब के किसानों को अपना माल भेजने में आसानी होगी, पंजाब का विकास होकर पंजाब हिंदुस्तान के नंबर 1 पर पहुंचेगा। बादल साहब के नेतृत्व में और उनके पीछे पूरी ताकत के साथ भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग पंजाब की सरकार के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, यही विश्वास देते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।